सो वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 11वीं का जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2024 का है, इसका हम फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। देख लीजिए यहाँ पर क्लास 11वीं सेट ए सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर है जो 80 के 80 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन सहित। सो गाइस यार जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन के आंसर हम आपको कंप्लीट करने वाले। चलिए यहाँ पर सेक्शन ए में रीडिंग। सो गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, और ऐसे ही आपको बारहवीं परीक्षा में भी पूरी हेल्प की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। चलिए अब आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ है। यहाँ पर देख लीजिए ये आपको द जो ये पैसेज दिया हुआ है इसमें आपको इसको पहले रीड कर लेना। इसको अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लेना, नहीं तो वही इसके आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको। जल्दी से आप आंसर लगा लीजिए और पूरे कॉपी में लिख लीजिए। देख लीजिए पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा इसका पहले का बी ऑप्शन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन नहीं रहा, इसके विकल्प देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर है। सो गाइस यहाँ पर इसी तरह आपको वार्षिक परीक्षा में पूरी हेल्प की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। सो गाइस इसके बाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट आंसर 17,000। इसके बाद है आपका तीसरी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 से 4 वीक। इसके बाद है आपका जो है चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पाँचवा क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन ए बी सी डी यहाँ पर चारों ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा जो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है छठवा का यहाँ पर इसका जो राइट आंसर इसमें छठवा में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लेम चेंज जिसको इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद सातवीं का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई डबल जी, सो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आठवां का देख लीजिए, आठवां में हो जाएगा यहाँ पर इसमें हो जाएगा आपका जो सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नौवां का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद दसवां का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस ये आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। सो गाइस फटाफट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्वेश्चनों के आंसरों का। इसके बाद आ जाता है अब आपका क्वेश्चन दूसरा में आपको इसके देख लीजिए इस पैसेज के आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल भी लिखना है। चलिए आपको बता देते हैं आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और इसका टाइटल कैसे लिखना है। सो गाइस चलिए इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर ये रहा इसका यहाँ पर आपको नोट्स से पहले इसका हेडिंग डाल लेनी है, फिर पहली हेडिंग लिखना है नीड फॉर योगा, इसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये चार लाइन लिख लेनी है। देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका इसका टाइटल रहा। सो इस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आपने चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पहले इतने का स्क्रीनशॉट, नहीं तो पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद आपका जो है सेक्शन बी में यहाँ पर आपको क्या करना है, सेक्शन बी में यहाँ पर चलिए सेक्शन बी का आंसर देख लीजिए यहाँ पर इसमें आपको जो है नोटिस लिखना है। सो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन तीसरे का आंसर। सो गाइस यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर। सो गाइस जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट आपका देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। इसके बाद इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद ये रहा इसका आंसर। सो गाइस ये रहा आपका पूरा आंसर, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ से लिखना है 2 से यहाँ पर यहाँ तक है। सो गाइस जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए अब आपका क्वेश्चन चौथा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पाँचवा आ जाता है, इसमें आपको क्वेश्चन पाँचवा में आर्टिकल लिखना है। सो गाइस ये आप स्वयं कर लेना इसका आंसर। इसके बाद है 120 वर्ड में किसी एक टॉपिक पर जो है आर्टिकल लिख देना है। इसके बाद सेक्शन सी में ग्रामर जल्दी से फटाफट आपकी कंप्लीट कर लेते हैं। सो वही देख लीजिए एनी 5 करना है आपको, पहले में आपका एन हो जाएगा, पहले में एन हो जाएगा, दूसरे में मस्ट हो जाएगा। इसके बाद है इसमें आपका स्पीकिंग हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा है, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दैट। इसके बाद है पाँचवा
पांचवा आपको छोड़ देना है। इसके बाद छठवा, छठवीं का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। सो गाइस हमने जिन पर राइट के चिन्ह लगा दिए वही आपके राइट आंसर हैं। सो गाइस ये आपके पांच आंसर हमने कंप्लीट करा दिए। इसके बाद अब आज आपके डोइज डायरेक्ट आ जाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद डोइज डायरेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस आप पहले इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इनके आंसरों के, सो गाइस ये रहे आपके पांच आंसरों, इनके आंसर के स्क्रीनशॉट्स जल्दी से ले लीजिए। ये आपका जल्दी से फटाफट पांचों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके कंप्लीट हो गए, ये देख लीजिए फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आठवां, देख लीजिए सेक्शन डी टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक से इसको आपको पैसेज को पढ़ लेना है। चलिए इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चनों के आंसर हम आपको बता देते हैं। सो गाइस ये रहे इसके क्वेश्चन। सो गाइस चलिए इनके आंसर हम आपको फटाफट बता देते हैं। सो गाइस इसमें आपका पहले का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फिर इसके बाद दूसरे का हो जाएगा यहाँ पर। दूसरे में आपका जो है इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का भी सी हो जाएगा। इसके बाद पांचवे का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद है ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका नौवां क्वेश्चन आ जाता है। नौवां क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। नौवें का ए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। देख लीजिए पहले का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। दूसरे का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस ये आपके जल्दी से फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके आंसरों के। इसके बाद अब आ जाता है आपका नौवीं का ए कंप्लीट हो गया। नौवीं के बी के क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस ये रहे इसके पहला क्वेश्चन ये रहा, इसके विकल्प ये रहे। चलिए इनके विकल्पों के आंसर हम आपको बता देते हैं। पहले का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे का भी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका तीसरे का सी। इसके बाद चौथे का ब्यूटीफुल का ब्यूटी हो जाएगा, बी ई ए यू टी वाई हो जाएगा, ब्यूटी हो जाएगा। सो इसी आपके जो है चार नंबर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अब आपका दसवां आ जाता है। दसवें का पहला का आंसर देख लीजिए, वाज द ग्रैंड मदर। सो इस ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए वाई वाज द ग्रैंड मदर। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से आपको आंसर लिख लेना है। सो यही जल्दी से आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहले का आपका आंसर है, दसवीं का पहले का आंसर। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद हाउ डिड द चिल्ड्रन, देख लीजिए ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन भी है साथ में और ये रहा यहाँ से यहाँ तक आंसर है। तो इस बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। एक तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। सो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन यहाँ पर, ये रहा इसका आंसर। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दसवीं का तीसरा है। इसके बाद दसवीं का चौथा देख लेते हैं। चौथा यहाँ पर देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर ये रहा आपका दसवीं का छठवां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। छठवां का, सो गाइस ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन का आंसर, वाई हाउ डिड, यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका आंसर। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस ये आपका दसवीं का छठवां का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ये आपका तीसरा है, ये छठवां है। इसके बाद अब आपका ग्यारहवां क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइस ग्यारहवां का पहला देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर। सो गाइस ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, देख लीजिए फटाफट लिख लीजिए। यहाँ पर डेड लाइन का आंसर है, देख लीजिए हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफर। सो गाइस ये रहा आपका राइट आंसर। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट देख लीजिए। ग्यारहवां में दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरे का राइट आंसर ये रहा आपका क्वेश्चन ग्यारहवां का दूसरा का आंसर। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए डोंट रेन। सो गाइस ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन और आंसर भी है साथ में। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ग्यारहवां का तीसरा देख लेते हैं। ये रहा ग्यारहवां का जो तीसरा नहीं करेंगे, इसमें से यानी थ्री करना है। सो गाइस पहला कर लेंगे, दूसरा कंप्लीट हो गया, अब तीसरा नहीं करेंगे। इसके बाद चौथे का आंसर देखेंगे। सो गाइस ये रहा आपका चौथे का आंसर, देख लीजिए व्हाट डज द फादर, देख लीजिए ये रहा व्हाट डज द फादर, देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन ग्यारहवां का चौथा है, यानी अब तीन इसमें ग्यारहवां क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाते हैं। तीन क्वेश्चन इनके आंसर आपको बताने थे। इसके बाद बारहवां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट।
यहाँ पर वर्मा का पहला कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर पहला कंप्लीट करेंगे व्हाई डिड द बॉय रिटर्न, देख लीजिए व्हाई डिड द बॉय रिटर्न। सो गाइस ये रहा इसका आंसर, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सभी क्वेश्चनों के आंसर हमने बता दिए, आपको बताएंगे यहाँ पर व्हाई हैड द ऑथर्स, देख लीजिए व्हाई हैड द ऑथर, देख लीजिए यहाँ पर ये रहा इसका आंसर। सो गाइस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका वर्मा का दूसरा हो जाएगा। इसके बाद है वर्मा के यहाँ पर, इसके बाद बारहवा के बाद जो है, इसके बाद चौदहवा देख लेंगे। चौदहवा का पहला देख लीजिए डज द टाइटल, यहाँ पर जो सॉरी यहाँ पर तेरहवा का पहला देखेंगे यहाँ पर डज द टाइटल ऑफ द लेसन, देख लीजिए ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर ये रहा डज द टाइटल ऑफ द लेसन, देख लीजिए फटाफट आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये तेरहवा का पहला है। इसके बाद है जो है तेरहवा का दूसरा, देख लीजिए तेरहवा का दूसरा है हाउ डिड राजेंद्र, यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका तेरहवीं का दूसरा का आंसर हाउ डिड राजेंद्र। सो गाइस यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन है, यहाँ से ये रहा आपका आंसर। सो गाइस यहाँ से यहाँ तक ये आपका आंसर हो जाएगा। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका चौदहवा क्वेश्चन, यहाँ पर व्हाट आर द थ्री, यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका चौदहवा का आंसर। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट आर द थ्री, यहाँ पर देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है चौदहवा के बाद पंद्रहवा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट मेक्स द स्टोरी, देख लीजिए ये रहा इसका क्वेश्चन का आंसर, व्हाट मेक्स द स्टोरी। सो गाइस ये रहा इसका आंसर। सो गाइस फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस ये आपके पूरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसे फटाफट वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आपको बारहवीं परीक्षा में पूरी हेल्प की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।